नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट 24 न्यूज चैनल आईना सच का। मैं आपके साथ एनी वर्मा। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। उत्तर प्रदेश में चाहे स्वास्थ्य विभाग पर कितना भी ध्यान दिया जाए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग चेतता नहीं। योगी सरकार में गोरखपुर कांड के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई है स्वास्थ्य विभाग में। आज बड़ी खबर आ रही है बिजनौर के महिला जिला चिकित्सालय से। एक ही रात में 5 नवजात बच्चों की मौत होने से हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का कहना है कि पैसे देने के बाद भी डिलीवरी में लापरवाही बरती, जिसके चलते 2 लड़कों व लड़कियों की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। अस्पताल में एडमिट और मरीजों का कहना है कि हर डिलीवरी पर मैडम को 1500 से 2500 रुपए तक दिए जाते हैं। पीड़ित परिजन सरकार से दोषी डॉक्टरों व अस्पताल स्टाफ के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। वहीं महिला CMS आभा वर्मा ने 2 नवजात बच्चों की मौत की पुष्टि की है। अधिक बच्चों की उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कब तक इस तरह से भ्रष्टाचार और लापरवाही की बढ़ चढ़ती रहेंगी मासूमों की जाने। जो हमारे बच्चों की मौत हुई है उसमें पेशेंट ही बहुत सीरियस थे। एक पेशेंट थी, उसके बच्चे का अल्ट्रासाउंड हमने पहले कराया था, तो बच्चे अल्ट्रासाउंड में बच्चा IUD आया था, मतलब बच्चे की मौत हो चुकी थी पेट में। उसकी डिलीवरी जब हमने नॉर्मल कराई है तो ऑलरेडी वो डेड था पेट में। दूसरा पेशेंट था जिसके 4 ग्राम हीमोग्लोबिन था, पेशेंट बहुत एनीमिक थी, उसको हमने ब्लड वगैरह भी चढ़ाया। उसे मरीज भी सीरियस थी और बच्चा भी सीरियस था, ये बात हमने उसको पहले बता दी है। लापरवाही का जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। मैडम, वही कहते हैं कि हमने स्टाफ से शिकायत की तो स्टाफ ने हमारे साथ अभद्रता की है। ऐसा नहीं है, अब जो दुखी होता है उसके मन में हर चीज के लिए दुख है उनका, उससे तो हमें भी सिंपैथी है उनपे, पर हम हर चीज उनको एक्सप्लेन कर चुके थे। कुछ परिजनों का आरोप है कि ये देखने के लिए कहा तो स्टाफ देखने भी नहीं आया। ऐसा नहीं है, हमारा स्टाफ तो अपनी हर तरह से कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा करे।